नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ये कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं था। MI-17V5 हेलीकॉप्टर था, जिसे सैन्य इस्तेमाल के लिहाज से काफी उन्नत माना जाता है। भारत में कई VVIPs का इस्तेमाल करते हैं, इसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल हैं। कुन्नूर में सेना का MI-17V5 हादसे का शिकार हुआ है और इसमें CDS विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे। वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। MI-17V5 एक VVIP हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसका निर्माण रशियन हेलीकॉप्टर्स की सहायक कंपनी कजान हेलीकॉप्टर्स करती है। इसके केबिन के अंदर और बाहरी स्लिंग को कार्गो परिवहन के लिहाज से डिजाइन किया गया है। MI-17V5 दुनिया के सबसे उन्नत परिवहन हेलीकॉप्टरों में से एक है। फरवरी 2013 में आयोजित एरो इंडियन शो के दौरान भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 12 MI-17V5 हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर किया था। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2008 में 80 हेलीकॉप्टरों के लिए रूसी हेलीकॉप्टर कंपनी के साथ $1.3 अरब का अनुबंध किया था, जिसके तहत 36 हेलीकॉप्टर 2013 की शुरुआत में आ गए थे भारत। MI-17V5 मीडियम लिफ्टर को MI-8 एयरफ्रेम के आधार पर डिजाइन किया गया था। इस हेलीकॉप्टर ने अपने पुराने मॉडल के उत्कृष्ट प्रदर्शन और विशेषताओं को बरकरार रखा है। यह उष्णकटिबंधीय और समुद्री जलवायु के साथ साथ रेगिस्तानी इलाकों में भी उड़ान भर सकता है। हेलीकॉप्टर का केबिन काफी बड़ा है, जिसका फ्लोर एरिया 12 वर्ग मीटर से ज्यादा है। हेलीकॉप्टर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सामान और सैनिक को पीछे के रास्ते से तेजी से उतारा जा सके। हेलीकॉप्टर में 4 मल्टीफंक्शन डिस्प्ले दिए गए हैं। ये हेलीकॉप्टर 6000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।